वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ और भिंडी। मैंने भिंडी को पहले अच्छे तरीके से वॉश किया, उसके बाद उसको मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया। अब काट कर मैंने इसके पीसीस बना लिए हैं और अभी मैं इसको फ्राई करने के लिए लेके जा रही हूँ। मैंने भिंडी के मसाले के लिए 6 अदर टमाटर और कुछ मैंने जो है वो ग्रीन चिली ली है। ये कड़वी नहीं है इसलिए मैंने इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और अगर किसी के पास ज़्यादा स्पाइसी हो तो वो कम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है। 2 प्याज जो है मसाला बनाने के लिए काटे थे, अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको फ्राई करती हूँ। ये मैंने श्रेड रेड चिली ली है और टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट लिया है। तो अब मैं इसको जो ये मसाला मैंने बनाया है इसके अंदर ऐड कर दूँगी। वैसे मैं जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं इसके अंदर मोस्टली ग्रीन जो मिर्चें हैं वो इस्तेमाल करती हूँ। भिंडी में तो मोस्टली ग्रीन मिर्चें इस्तेमाल होती हैं। ये मेरे इसके अंदर ऑयल इसलिए कम है क्योंकि भिंडी ने ऑब्जर्व किया ऑयल वो फ्राई है, इसलिए मैं जब इसके अंदर ऐड करूँगी तो फिर ये उसकी कमी को पूरा कर देगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी, उसके बाद मैं भिंडी ऐड कर दूंगी। हाँ, मैंने मीट को बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में डाल दिया है और मैंने रफली चॉप किए हैं 2 अनियन और सम कुछ ग्लव जो है वो गार्लिक के, और मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। इसके अंदर बीफ ऐड कर दिया है और इसको मैं भून लूंगी। भूनने के बाद मैंने जो फ्राई भिंडी की है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके अंदर गोश्त को भूनने के बाद मैंने इसके अंदर फ्राई भिंडी डाल दी थी, अभी ये रेडी हो चुका है। ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।